हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक हम ऐसे कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि आपको छोटे से टर्म में, छोटे से पीरियड में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, और लॉन्ग टर्म के बारे में भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का बिज़नेस करती है काफ़ी अट्रैक्टिव बिज़नेस है। ओके, हमेशा चलने वाला बिज़नेस है, वो कभी रुक नहीं सकता। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, उस कंपनी से रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत करेंगे। तो आइए, इससे रिलेटेड वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको शेयर बाज़ार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ नए नए शेयर से रिलेटेड मिलती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट इससे पहले बताना चाहता हूँ मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जैसे कि आपको पता है कि सेबी का रूल है 75:25 का, तो प्रमोटर्स के पास लगभग 75 या उससे कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास वही पूरा 75% के अबाउट शेयर है। फॉरेन इन्वेस्टर थोड़े से 0.07% की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी और DIS को भी ना के बराबर समझिए, और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इसमें लगभग रिटेल इन्वेस्टर 24.93% की इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। तो काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर हमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, ये है कोकुयू कैमलिन लिमिटेड। ओके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है शायद इसकी, तो इसे छोड़िएगा। कोकुयू कैमलिन लिमिटेड तो इस कंपनी का नाम है, तो हम इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। ये करती क्या है ये मैं आगे बताता हूँ, बट इसका एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, आज के डेट में ही 5% की जंप देखी गई है। ओके, 5 डेज़ का पॉजिटिव, 1 मंथ का पॉजिटिव एंड 6 मंथ का भी देखिए। ओके, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ईयर टिल डेट में थोड़ा सा नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है। 87 रुपीज़ के लगभग शेयर चलता था पैंडामिक से पहले, और फिर बीच में लगभग 40 रुपीज़ के अराउंड ये आया, और अभी 64 पे ये चल रहा है। तो काफ़ी थोड़ी बहुत रिकवरी इसका शेयर ने करी है। ओके, और बताना चाहता हूँ माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप का मतलब एक छोटी सी कंपनी, मतलब इसका 460-450 के अराउंड, 450 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैपिटल है। तो माइक्रो कैप का मतलब क्या होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पहले ही बताना चाहता हूँ। हमेशा मैंने आपको बताया भी है माइक्रो कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा सा कम होता है, और मिड कैप में रिस्क बढ़ जाता है। ओके, स्मॉल कैप में और बढ़ जाता है, माइक्रो कैप में और बढ़ जाता है, और पैनी स्टॉक तो रिस्क होते ही है, मतलब चल गया वरना आपका पैसा ज़ीरो। तो ये सब इससे, इतने तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं इससे रिलेटेड जो माइक्रो कैप है, तो स्मॉल स्टॉक है, लार्ज मतलब छोटी सी कंपनी है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। चल गया ये भी तो बहुत आपको अच्छा रिटर्न देगा, अदरवाइज़ ये गिरेगा तो बहुत अच्छी तरह गिरेगा। तो 1 ईयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है 5 ईयर्स का, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, 64 का शेयर है, कुछ ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बोनस भी दिया है, डिविडेंड भी देता है, सब कुछ कर रहा है। तो देखिए चार्ट पैटर्न काफ़ी हरे निशान में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, 16 रुपीज़ के अराबाउट इसका शेयर था 2008 में। ओके, और ये लगभग अगर हम मैक्सिमम की भी अगर बात कर लेते हैं, तो लगभग 150 रुपये के आसपास ये शेयर गया है, और अभी ये 64 रुपीज़ में मिल रहा है। तो पेंडामिक से पहले की अगर मैं आपको बात बताऊँ, तो लगभग ये शेयर 85 रुपीज़ पे मिलता था, और 85 से अभी भी कम है। ओके, तो आपको छोटे से टाइम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये क्योंकि बिज़नेस क्या करती है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, तो आपको दिखाना चाहता हूँ एक कंपनी। तो कंपनी का नाम कोकुयू लिमिटेड है। ओके, ये मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, जिसकी पेरेंट कंपनी जापान की है। ओके, जापान की एक कोकुयू कंपनी है, जो कि जापान की है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये काम क्या करती है, जो आप स्टेशनरी यूज़ करते हैं, स्टेशनरी मतलब बच्चे पेन पेंसिल, ओके, ब्रशेस वगैरह, तो ये कंपनी उसमें डील करती है। तो अभी तक क्या था कि स्कूल बंद थे। ओके, आपको पता, वीडियो कॉल के थ्रू डेफिनेटली काम हो रहा था, पढ़ाई हो रही थी, बच्चे लोग पढ़ रहे थे, बट इतना ज़्यादा मतलब स्टेशनरी यूज़ नहीं हो रही थी। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल ओपन हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग स्कूल जाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कोरोना, तो ये बिज़नेस ओके, तो ये दोबारा चलने लगेगा। ओके, इसका सेल्स ज़्यादा होने लगेगी, प्रॉफिट भी आने लगेगा, और तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव ये आगे के टाइम के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको बताना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 85 रुपीज़ का शेयर इसका मैक्सिमम था, जो कि गिरते गिरते आपको आया है, और अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो लगभग 150 रुपीज़ का इसका मैक्सिमम था,
जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 150 रुपीज़ का इसका मैक्सिमम था, तो उससे तो ये काफ़ी नीचे, अभी 64 पे मिल रहा है। अगर ये कंपनी जैसे जैसे स्कूल वगैरह ओपन होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिलने की आशंका है। ओके, माइट बी पॉसिबल, मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। माइक्रो कैप कंपनी है, कब नीचे चले जाए कब ऊपर चले जाए कुछ नहीं पता, वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं। ओके, इसके चार्ट पैटर्न में क्या ऊपर जाती है नीचे, क्या ऊपर नीचे, तो ये इसका पूरा है। बट छोटा शेयर है, छोटा पैसा लगा के हम देख सकते हैं इसमें, तो इसलिए बताना चाहता हूँ। स्टेशनरी का बिजनेस अब रनिंग में आने वाला है, शॉप्स भी धीरे धीरे ओपन हो रही है, और इसके उसके बारे में बताना चाहता हूँ। लगभग लगभग 3 लाख इसके डीलर्स हैं। ओके, तो काफ़ी अराउंड इंडिया में काफ़ी अच्छा इसका स्कोप मुझे नज़र आ रहा है कि हर स्टेशनरी पे इसके शायद आपको स्टेशनरी का सामान मिल जाएगा इस कंपनी का। तो आज का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। तो 52 वीक लो लगभग 34 रुपीज़ का था, और 93 रुपीज़ का 23 जैन को ये चल रहा था पेंडामिक से पहले। तो यहाँ पर डिलीवरीज की बात की जाए तो लगभग लगभग आज की डेट में ही 20% की डिलीवरीज भी उठाई गई है। लगभग 4,76,539 शेयर्स इसके डिलीवरीज के रूप में उठाए गए। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। ओके, तो और ये सबसे अच्छी बात और बताना चाहता हूँ कि प्रमोटर्स ने 75 में से कोई भी हिस्सेदारी में अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और 75% है। ओके, और इनकी पेरेंट कंपनी जापान की, और जापान के बारे में आपको पता ही है कि जापान की कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी रिच टाइप में होगी, उनकी पेरेंट कंपनी मजबूत है, तो काफ़ी छोटी बिजनेस तो फिर चलने ही चलने हैं। तो इसकी एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लेते हैं। लगभग 239.17 करोड़ रुपीज़ के इनके पास रिजर्व्स है। ओके, काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है, बट इनके पास बोरोइंग भी है। और बोरोइंग के बारे में बताना चाहता हूँ, इन्होंने जैसे कि काफ़ी अपनी बोरोइंग कम करी है। देखिए बताता हूँ, देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो लगभग 21.69 है, जो कि लास्ट ईयर 27.31 थी। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लगभग 6 करोड़ रुपये के यहाँ पर इन्होंने कम करी है। इसके एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरिंग जो कि 96 करोड़ है, जो कि पहले कितनी थी 140, तो लगभग कितना 40 करोड़ रुपीज़ के, 45-46 करोड़ रुपीज़ इन्होंने यहाँ पर भी कम कर दिया। मतलब 46 प्लस में यहाँ पर भी 6 करोड़ रुपये जोड़ रहे थे, लगभग 52 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने बोरिंग पिछले एक साल में कम करी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बोरिंग कम करना, बोरिंग सबके पास होती है, अच्छी अच्छी कंपनी के पास है, बट कम कर रही है वो अच्छी बात है। कैश एंड इक्विवेलेंट की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा कैश इनके पास है नहीं। लगभग 5.40 करोड़ रुपीज़ के इनके पास रिजर्व्स है, कोई किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एसेट लगभग 481.20 करोड़ रुपीज़ के पास इनके एसेट भी है। तो ठीक है, फिलहाल इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बैलेंस शीट, बट ठीक है बिजनेस के हिसाब से। अगर हम आगे के बारे में थोड़ा बहुत शेयर लेके हम सोच सकते हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्ट चल गया, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, और नहीं चला तो फिर जीरो तो है। डिविडेंड देख लीजिए। ओके, 25%, 50%, 30, तो इस तरीके का डिविडेंड ये कंपनी देती आई है। ओके, पिछले कुछ 2011 में लास्ट डिविडेंड दिया था, उसके बाद नहीं दिया है क्योंकि तब कंपनी शायद ज़्यादा प्रॉफिट में होगी। वन रेवेन्यू वन का एक बार इन्होंने बोनस भी दिया 2002 में। स्प्लिट की बात की जाए 2008 में एक बार 10 का फेस वैल्यू 1 में स्प्लिट भी हुआ है, राइट इशू भी ये लेके आए हैं। ओके, 2013 में, तो सब कुछ इस कंपनी ने दिया है, बट काफ़ी कुछ टाइम से ये कंपनी चल नहीं रही है। तो आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये कंपनी स्कूल्स एंड ऑफिसेज ओपन होंगे, ओके, तो स्टेशनरी का सामान सबको लगना ही है, और ये बिज़नेस आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करिए। एज वेल एज इन्वेस्ट करने से पहले एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, माइक्रो कैप कंपनी है, तो इसे या तो वॉच लिस्ट में रखिए या अपने एडवाइजर से एक बार पूछ लीजिए, या इसमें पैसा लगाए भी तो ज़्यादा मत लगाइएगा। ओके, 10-15 शेयर खरीद के आप रख सकते हैं, अगर बढ़ गया ठीक, अदरवाइज लॉस जितना लॉस बियर कर सकते हो उसमें आप देख सकते हैं। बट जैसे कि परफॉर्मेंस पिछले 5-10 दिन और 1 महीने से देती देती आ रही है पॉजिटिव में, तो काफ़ी अच्छा स्कोप मुझे आगे नज़र आ रहा है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो शेयर से रिलेटेड मैं आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।